स्टैटिस्टिक्स एट कंकॉर्डिया कॉलेज ताइवान। टुडेज आवर टॉपिक इज अरिथमेटिक मीन्स बाय शॉर्टकट मेथड। इन शॉर्टकट मेथड वी विल डिस्कस शॉर्टकट मेथड फॉर अनग्रुप डेटा एंड शॉर्टकट मेथड फॉर द ग्रुप डेटा। एंड वी डिस्कस वेटेड मीन एंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। First we discuss arithmetic mean for the ungrouped data. For this purpose we take a simple example here. हमारे पास data given है 102, 104, 106, 108 and 110. हमने इस example को by shortcut method और by indirect method solve करना है। आपने सबसे पहले ये करना है solution में जो data आपके पास given है आपने उसे एक कॉलम की फॉर्म में लिख देना है और उसको आपने नेम दे देना है x का और आपने काउंट करना है ये टोटल कितनी वैल्यू है लाइक 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इट मीन्स n आपके पास क्या आ जाएगा 5। हम सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। वी नो दैट x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन d ओवर n। अब इसमें a क्या है और n क्या है। n आपको बता दिया कि n हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज होती है। लाइक इस एग्जाम्पल में हमारे पास 5 वैल्यूज हैं तो n आपके पास क्या आ जाएगा 5। अब a क्या होता है, a होता है हमारे पास आर्बिट्रेरी वैल्यू। आपने x के कॉलम में से ऊपर एरो लगा हुआ है, x के कॉलम में से अपनी मर्जी की कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है। लाइक मैंने यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट की 106, आप 106 के अलावा 108, 110 या कोई भी यूज कर सकते हैं। a हमारे पास आ गया 106। अब हमें चाहिए d, d के लिए हम कॉलम बनाएंगे। d का फॉर्मूला होता है x माइनस a। इसमें आपने करना ये होता है कि x की हर वैल्यू में से जो आपने आर्बिट्रेरी वैल्यू सिलेक्ट की है उसको माइनस करते जाना। फॉर एग्जाम्पल 102 में से आप 106 माइनस करें, आंसर आपके पास आ जाएगा -4। 104 में से 106 माइनस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा -2। 106 में से 106 माइनस करें, आंसर विल बी 0। 108 में से माइनस करें, आंसर आपके पास आ जाएगा 2। और 110 में से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4। आपने कभी भी a माइनस x नहीं करना, हमेशा आपने x में से आर्बिट्रेरी वैल्यू को माइनस करना है। फिर आपने d को सम अप कर देना है, d आपके पास क्या आ जाएगा 0। अब आपने वन बाय वन वैल्यू को उठाकर फॉर्मूला में पुट कर देना। हम सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे a की विच इज 106। 106 को आप यहाँ पे पुट कर देंगे प्लस समेशन डी। अब देखें समेशन डी की वैल्यू है हमारे पास 0, हम 0 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय n। n की वैल्यू 5 है, आप 5 पुट कर देंगे। 0 को 5 पे डिवाइड करें, आंसर विल बी 0। 106 में 0 को ऐड करें, लास्ट में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 106। इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने अरिथमेटिक मीन की यही एग्जाम्पल की थी लेकिन उसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था। उसमें भी आंसर हमारे पास 106 था और इसमें भी आंसर हमारे पास 106 है। तो इससे ये जाहिर होता है कि आप चाहे क्वेश्चन अरिथमेटिक मीन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लें या आप इसको शॉर्टकट या इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लें, आंसर विल बी द सेम। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस शॉर्टकट मेथड।